नमस्कार दोस्तों, मुंबई के मेजबान स्टेडियम में स्मृति मंधाना की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स आमने सामने हुए, जिसमें यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 10 विकेटों से शिकस्त दी है। और इस मुकाबले में वहां कैसे हेली के तूफान में उड़ी आरसीबी और किस तरह से एक रोमांचक मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने जीत दर्ज कर ली। और आगे हम आपको रोंगटे खड़े करने वाला हाईलाइट मैच का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा कि आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फेरी के अशतकीय पारी के बदौलत 19.3 ओवर में सिर्फ 138 रन ही बना सकी। इसके जवाब में यूपी की टीम कप्तान एलिसा हेली के दमदार पारी की बदौलत बिना विकेट खोए 42 गेंद शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया था। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत काफी अच्छी रही। मंधाना और डिवाइन के बीच पहले विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी हुई। मंधाना सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गई। सोफी ने 24 गेंदों में 36 रन बनाए। एलिसा पैरी ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतकीय पारी खेली। वह 39 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुई। पाटिल ने 15 रन, बेंस ने 12 रनों का योगदान दिया। वॉरियर्स की तरफ से सोफी ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत काफी दमदार रही। एलिसा पैरी की दमदार पारी की बदौलत गुजरात ने इस मैच को आसानी से